स्वागत है आप सभी का पांडेची टेक्निकल में। मैं प्रज्वल आपका ईडी का टीचर, और आज हम पढ़ रहे हैं 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लास में मॉडल पेपर की क्लास, जिसमें हम अपने दिए हुए 3 मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो हमारा पहला मॉडल पेपर स्टार्ट होता है। तो जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो पिछले कई सालों के अगर आप पेपर देखेंगे, लास्ट ईयर का छोड़ के बाकी जितने भी आप पेपर देखेंगे, उसमें पहला क्वेश्चन एज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कंपल्सरी क्वेश्चन आया है, और ये 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में आता है और कंपलसरी रूप में आता है। पिछले साल भी मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चलिए नहीं दिया गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन इसके ऊपर थ्योरी लिखने के लिए दे दी गई थी। तो ये आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है ये तो पता होना ही चाहिए, साथ साथ ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और किसी कारणवश रह गया है, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा दिया है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि गिवन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाएं। फ्रंट व्यू हमें इधर से देख के बनाना है, फ्रंट व्यू हमें इस तरफ से देखते हुए बनाना है, टॉप व्यू हमेशा की तरह ऊपर से, और साइड व्यू हमें इस तरह से। अगर आपको फिगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आपको हमारे ऐप में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उस पीडीएफ से देख के इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझ सकते हैं, आपके सामने क्लियरिटी हो जाएगी। खैर, इधर देखिए, हमें इस तरफ से फ्रंट व्यू से देखना है, ऊपर से टॉप व्यू में देखना है, और इधर से साइड व्यू में देखना है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर राइट साइड का हम लोग व्यू देखते हैं तो लेफ्ट साइड बनता है, और लेफ्ट साइड में से अगर देखते हैं तो राइट साइड बनता है। तो हम किधर से देख रहे हैं इस फिगर को, इसको इस तरह से घुमाइए और सामने देखिए, तो हम इसको राइट साइड से देख रहे हैं। तो इसका फिगर किस तरफ बनेगा, इसका प्रोजेक्शन लेफ्ट साइड में बनेगा। तो आइए इसका हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे रेफरेंस लाइन खींचेंगे, एक्स और वाई, फिर एक इसी से परपेंडिकुलर ऐसे हम लोग लाइन खींचेंगे, यू एक्स डैश वाई डैश, ये होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू बनाएंगे हम लोग, किसमें बना रहे हैं पहले ये बात, हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट एंगल में। ठीक है, फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमारा कैसे बनता है, वर्टिकल प्लेन पे, यानी कि यहां पर। तो अब फ्रंट व्यू, अब सामने से देखिए तो आपको क्या दिखेगा, इस तरफ से अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको ये वाला पूरा फेस, ये पूरा फेस, ये सर्कल, ये आपको ये फेस, ये फेस, और ये वाला फेस दिखेगा, इतना हिस्सा, ये फेस, ये फेस और ये फेस आपको दिखेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब आप 3D से 2D में जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स के रूप में दिखता है, कुछ भी इंक्लाइंड आपको नहीं दिखता है। तो इसको अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये दिखेगा, तो चलिए ये हिस्सा बनाते हैं गिवन डायमेंशन के साथ। सबसे पहले ये हमें दिखा 18, फिर ये साइड में कटे हुए गिवन डायमेंशन के साथ। ठीक है, अब इसकी सेंटर से इसकी दूरी 20 दी हुई है, तो आप यहां से 20 की दूरी मार्क करेंगे, और जितना इसका दिया हुआ डायमीटर 14 दिया, यानी कि 7 कैसे गोला रखे ऐसे गोला खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एकदम इस तरह से नीचे आ जाएंगे, कितना नीचे आएंगे, इस जगह से यहां तक का आपका है 62, तो आप ऐसे ऐसे एकदम 62 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सामने कितना, ये 42 है, तो ये 42 का आप ऐसे करके यूं मिला देंगे। तो अब आपको कौन कौन सा फेस दिख गया, आपने यहां तक का बना लिया, अब हम याला फेस बनाएंगे। याला फेस हम लोग कैसे दिखेगा, याली हाइट से, याली हाइट कितनी है 6, तो यहां से हम लोग ऐसे 6 और नीचे जाएंगे, और ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए, ये वाला जो फेस है हमारा, ये वाला फेस हमें दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये इंक्लाइंड वाले फेस बनाएंगे। जैसा कि पहले मैंने क्लासेस में बताया कि जो भी आपका इंक्लाइंड सरफेस होता है, जब भी हम उसको सामने से देखते हैं तो वो हमारा एक रेक्टेंगल के रूप में दिखने लगता है। तो इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी, इस रेक्टेंगल की हाइट होगी टोटल 62 - 6, यानी कि आपका होगा 56। तो यहां से 56 आपको ऐसे मार्क करेंगे और ये ड्रॉ कर देंगे, वैसे ऐसे 56 आप हाइट मार्क करेंगे यूं एकदम स्ट्रेट, और इसकी विड्थ आपको दे रखी है 5, तो ये आपकी 5 हो जाएगी टोटल, और ये आपकी 56 हो जाएगी। उसी तरह से सामने भी बना लेंगे, तो आपको सामने से जो दिख रहा है वो आपका फ्रंट व्यू इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब सामने से देखिए, एक बार फिर से समझाते हैं आपको, जब सामने से देखेंगे तो यह ब्लॉक दिखेगा 6 हाइट का, ये देखिए, और 42 लंबाई का। ठीक है, तो ये 42 लंबाई का हमें बना लिया। उसके बाद आपको ये इंक्लाइंड वाले फेस दिखेंगे, तो ये इंक्लाइंड वाले फेस हमने बना लिए। फिर ऊपर गए, कितना ऊपर गए, यहां से 17 ऊपर गए। सारी डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दे होगी, बस कुछ आप डायमेंशन देखते रहिए और उस हिसाब से बनाते रहिए। ये हम ऊपर गए, ठीक है, और यहां से हमें ये 20, क्या कहते हैं, सबसे ऊपर ये 18 नंबर का था, तो ये 18 का हमने ये ऐसे ड्रॉ कर लिया। टोटल हाइट हमें 74 दे रखी थी,
तो हमने यहां से ये 74 यहां से मार्क किया था इस तरह से, ये हाइट जो हमें है ये टोटल 74 दे रखी है, तो ऊपर का ये 18 मार्क किया, बाकी दो ज्वाइन हमने कर लिए, उसी के मिड पे हमने सेंटर रखा और ये एक सर्कल बना लिया। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। अब बचा क्या, ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। अब हम बनाएंगे कौन सा, टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू में जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको ये वाले फेस दिखेंगे, ये वाले फेस किस तरह से दिख रहे होंगे आप देखिए, ये इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह से बने हुए हैं। आपको दिखेंगे कैसे, जो भी इंक्लाइंड है वो सब स्ट्रेट हो जाते हैं, मैंने जैसे पहले बताया था, तो ये आपको इस तरह से कुछ दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका टॉप व्यू बनाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, सारे प्रोजेक्टर्स नीचे ड्रॉ कर लिए जाए, ये सेंटर लाइन से भी ऐसे, ठीक है। अब हम लोग टॉप व्यू उसका बनाएंगे, तो टॉप व्यू कैसे, ये सेंटर लाइन हो गई हमारी इधर से पूरा इस तरह से, और ये कितनी किसी कितनी चौड़ाई है, ये 8 की चौड़ाई है, तो 8 हम लोग ऐसे लेंगे, और ये जिस पॉइंट पर एक कट रहा होगा ये हमारा हो गया, और ये हमारा इसकी लाइनें हो गई। कैसे हो गई, जैसा मैंने ये बताया, ये आपको ऊपर से इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह से बनता हुआ आएगा, तो उस चौड़ाई का ये हमारा ऊपर का टॉप व्यू इस फेसेस का बन गया। अब हमें क्या दिखेगा, जब हम ऊपर से देखेंगे हमें ये वाला फेस दिखेगा और फिर से ये वाला फेस दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला फेस कैसे बनाएंगे, अभी कितना आगे देखिए, यहां से 34 है और आगे से यहां से टोटल 45 है, तो हम लोग टोटल यहां से 45 खींच लेंगे, ये हमारा 45 हो गया, ठीक है। और ये कितना है, 34 था, तो 34 तक ऐसे मार्क करेंगे, 34 तक मार्क करेंगे, यहां तक ये हमारा टोटल कितना था, 45 था, इसमें हम लोग ऐसे 34 तक मार्क करेंगे, और ये 5 की चौड़ाई से, वैसे हम लोग 5 की चौड़ाई से इधर से और इधर से बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉप व्यू इसका बन गया, इन फेसेस का, और बचा हुआ ये हमारा ये फेस बन के तैयार, तो ये हमारा बन गया टॉप व्यू। अब टॉप व्यू में एक चीज और रहेगी जो आपको जाननी है, टॉप व्यू में जब आप देखेंगे तो आपको सर्कल नहीं दिखेगा, लेकिन सर्कल है तो सर्कल के लिए आप क्या करेंगे, सर्कल की फिगर किस तरह की है, सर्कल का फिगर इस तरह का है, मैंने क्या बताया, जो भी कर्व्ड है या इंक्लाइंड है वो स्ट्रेट हो जाते हैं, तो जो आपको नहीं दिखेगा वो आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लाइन से, तो आप एक ऐसे डैश लाइन से इसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यहां पर एक सर्कल है, बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये आपका टॉप व्यू हो गया। इसी तरह से अगर जो भी आपका इंक्लाइंड फिगर्स हैं या जो भी आपके हिडन फिगर्स हैं उनको, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितने भी हिडन फिगर हैं अगर वो आप शो नहीं करते हैं तो उसके मार्क्स अच्छे खासे कट जाते हैं, तो आपको जितने भी हिडन फिगर्स हैं वो आपको जरूर देखने हैं। जैसे आप इधर से सामने से देख रहे हैं, अभी तो साइड व्यू की बात नहीं है, फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो आपको हर चीज दिख रही है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप टॉप व्यू से देख रहे हैं तो आपको ये सर्कल नहीं दिखेगा, जबकि वो सर्कल है, तो आप कैसे शो करेंगे, डैश लाइन से शो करेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग चलिए बनाते हैं साइड व्यू। साइड व्यू किधर से था, राइट साइड से था, तो फ्रंट व्यू किधर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया 45 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे, सारी लाइनें इधर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे, और इनको ऊपर खींच देंगे। अब इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब जब आप साइड व्यू से देखेंगे तो आपको ये वाला फेस दिखेगा और ये वाला फेस दिखेगा, ठीक है, और ये वाला फेस दिखेगा। तो चलिए ये वाला इसकी ड्राइंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, ये लंबा वाला फेस, ठीक है। तो लंबा वाला फेस कैसे दिखेगा, यहां से पूरा नीचे तक का बनाएंगे कैसे, एक्चुअल प्रोजेक्टर ड्रॉ करने का मतलब क्या है, जिन लाइनों पे कट कर रहे हैं आपको उन्हीं लाइन पर ड्रॉ करना है। तो ये लाइन समझ लीजिए ये आपका फिगर है, आप उसको इस तरह से इधर पलट रहे हैं, ये वाला फिगर आप ऐसे पलट रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाली लाइन यहां पर और सबसे नीचे वाली लाइन यहां पर, जहां तक कि हम लोग ने सबसे पहली ये वाली लाइन हमने खींच ली, ठीक है। इसको सही से बना लेता हूं मैं, ये लाइन हमने ऐसे खींच ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैसे बना हुआ है इसको आप देखिए, इस तरह से बना हुआ है यूं करके,
मैंने क्या बताया, जो भी इंक्लाइंड है वो सब स्ट्रेट हो जाएंगे, तो आपको कैसा दिखेगा, एकदम स्ट्रेट। तो हमारा ये स्ट्रेट इस तरह से ये बन गया, उसी तरह से ये इधर बन गया, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया और ये यहां तक का नीचे आएगा। देखिए यहां तक का नीचे आएगा क्योंकि इसी पॉइंट से तो ये इंक्लाइंड है, ये जो ये है ये इंक्लिनेशन ही तो है, तो इस पॉइंट तक हम लोग नीचे लाएंगे, जिस पॉइंट तक ये, जिस पॉइंट से इंक्लाइन होना ये चालू होता है, इस पॉइंट से इंक्लाइन चालू होता है। देखिए ये फ्रंट व्यू में यहां बना है, तो इसी पॉइंट से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। कहां तक आगे बढ़ाएंगे, जो हमारा आखिरी पॉइंट है ये यहां तक का, इस तरह से, ठीक है। और फिर ये नीचे ही लाइन आएगी इस तरह से, और ये ऐसे जुड़ गया, और क्या होगा, सिर्फ यही नहीं होगा, सॉरी यहां तक का नहीं आएगी, ये आपकी आएगी, ये जो नीचे ही लाइन गई है इस जगह तक का, यहां तक इस तरह से, और इसके आगे ये स्ट्रेट जाएगा। देखिए ये आपका स्ट्रेट ये आया डाउन, और ये आपका आगे गया इस तरह से, तो आपका इंक्लाइन में जो आपको फिगर दिख रही है साइड व्यू से वो कुछ ऐसी दिखेगी इस तरह से। इसमें भी वही बात है, सर्कल आपको डैश लाइन से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और जो इसके अंदर के प्रोजेक्टर हैं उनको आप मिटा देंगे और इन लाइनों को डैश लाइन से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइड व्यू, ये आपका हो गया टॉप व्यू, और ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। फिर से सवाल को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने इधर से देखा, तो हमको ये वाला फेस दिखा, हमने ये वाला फेस गिवन डायमेंशन के साथ बना लिया, ठीक है। ये आपको इंक्लाइन था, ये आपको स्ट्रेट दिखेगा, मैंने गिवन डायमेंशन के साथ स्ट्रेट बना लिया। हमें ये वाला फेस दिखना था, ये देखिए हमने ये वाला फेस बना लिया। अब जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें इस तरह से जो दिए हुए थे उनको स्ट्रेट किया तो हमें ये स्ट्रेट फिगर दिख गया, फिर ये आगे बढ़ रहा था तो ये आगे बढ़ गया, और ये आगे का फिगर इस तरह से बन गया, ठीक है। अब इसका साइड व्यू बनाना था, क्योंकि राइट साइड था और बनेगा किधर, लेफ्ट साइड, तो हम लोग ने इसके लेफ्ट साइड प्रोजेक्टर डाले, 45 डिग्री पे लाइन डिवाइड करी और ऊपर खींच दिए, और फिर गिवन डायमेंशन का हम लोगों ने साइड व्यू बना दिया। अब सवाल उठता है कि कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया था कि ये प्रोजेक्टर्स क्यों ड्रॉ करते हैं, क्या प्रोजेक्टर्स बनाना जरूरी है, हम लोग बिना प्रोजेक्टर्स बनाए भी तो बना सकते हैं। इसका जवाब मैं देता हूं कि प्रोजेक्टर्स बनाना बहुत जरूरी है, बिना प्रोजेक्टर बनाए आपका सवाल पूरी तरह से गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा आइए देखते हैं, मैं इस जगह पर बनाता हूं। अब देखिए मान लीजिए ये मेरा फ्रंट प्लेन है इस तरह से, और ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास इस तरह से क्यूब रखा हुआ है, इस तरह से ये मेरा क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। इसके अगर मैं प्रोजेक्टर्स बनाऊंगा तो ये मेरा प्रोजेक्शन यहां पर इस तरह से पीछे कुछ आएगा, एक रेक्टेंगल, इसी का प्रोजेक्शन तो नीचे आएगा। मतलब क्या है मेरे कहने का कि 3D फिगर ना देख के हम लोग 2D फिगर देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे सिंपल एक सर्कल मान लेते हैं, सर्कल क्या एक स्क्वायर मान लेते हैं, इस तरह से मेरा एक स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि ये मेरा वर्टिकल प्लेन हो गया और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। ये मेरा सामने मान लेते हैं एक रेक्टेंगल रखा हुआ है। अब इसका अगर मैं सामने से देखूं तो इस तरह से पीछे मेरे प्रोजेक्टर्स जाएंगे कुछ, और एक पीछे मुझे रेक्टेंगल इस तरह से बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सिर्फ यही हिस्सा तो मुझे दिखेगा और तो कुछ दिखेगा नहीं। अब बात है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमा रहे हैं और इस तरह से एक अपनी शीट में बना रहे हैं, जो ऊपर वर्टिकल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको हम लोग इस तरह से घुमा रहे हैं। ये ऐसे था, इसको हम लोग घुमा के इस तरह से सीधा करें, मतलब कि जैसे कि ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको हम लोग ऐसे सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर आप इसको नीचे लेके आए, ये जो पीछे आपका प्रोजेक्टर बन रहा है, इन लाइंस को अगर ऐसे नीचे लेके आए और फिर इसी के परपेंडिकुलर सीधे ले जाए, तो ये सारी जो एजेस है ना ये मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेंगे, आप खुद ही सोचिए, जैसे कि ये मेरी बुक है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे पेन रखता हूं तो इसकी परछाई मुझे दोनों तरफ मिलती है। आप क्या करिए, कुछ लटकाइए उसकी परछाई, इस पे मार्क करिए फिर इस पे मार्क करिए, दोनों की एजेस अगर आप मिलाएंगे ना,
स्ट्रेट लाइन लाके तो मिलेंगी। अगर इसकी जो परछाई है ये आगे आ गई और ये पीछे चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट पहले पीछे रखा था, तब आपने यहां देखा, और फिर ऑब्जेक्ट आगे चला गया, तब आपने नीचे देखा। इस तरह से नहीं हो रहा, हम एक फिक्स्ड पोजीशन पर पहले सामने देख रहे हैं और फिर ऊपर देख रहे हैं। मतलब कि जब जो हमारी लाइन आएंगी इस तरह से, जो प्रोजेक्टर्स आएंगे वो एकदम ऊपर होने चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट पर। अगर ये आपका आगे या इधर चला गया तो क्या हुआ, आपकी पोजीशन जो है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट रखा है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्रोजेक्टर्स खींचना बहुत जरूरी है, बिना प्रोजेक्टर खींचे आप काम नहीं कर सकते। उसी तरह से 45 डिग्री की लाइन भी खींचना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप साइड व्यू बनाते हैं तो आप इधर से देख रहे हैं, यानी कि इसका प्रोजेक्टर सारा ऊपर खींच ले जा रहे हैं। जब ये नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, 45 डिग्री पे तो डिवाइड होगा। जब आप 45 डिग्री पे बनाएंगे तभी तो यहां तक आपकी लाइन ऊपर जाएगी, ये देख रहे हैं, इस तरह से आएगा। अभी घूम गया तो आप टेढ़ा करेंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमारे 45 डिग्री की लाइन बनाना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ प्रोजेक्टर्स बनाना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमारा ऑर्थोग्राफिक क्वेश्चन था, आपको शायद समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो हमारा लेटरिंग से, जैसा कि मैंने आपको बताया लेटरिंग से सवाल आएगा। सवाल आपका कहता है 10 mm ऊंचाई के एकाघात उद्रक कैपिटल अक्षरों में निम्न की स्वच्छता पूर्वक लिखिए, मतलब राइट नीटली द फॉलोइंग इन सिंगल स्ट्रोक। मैंने क्या बताया था, सिंगल स्ट्रोक में लिखने के लिए था, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स ऑफ हाइट 10 mm। तो कहता है कि 10 mm की हाइट में ये आपको लेटरिंग में लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 10:8 या 7:4 जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक 10 mm यानी कि 1 cm की लाइन खींचेंगे, फिर ड्राफ्टर से इसी के पैरेलल परपेंडिकुलर एक लाइन ये और इस तरह से ये खींच देंगे। अगर आप 10:8 में बना रहे हैं तो इसमें आपको करने की कुछ दिक्कत नहीं है। कंपास में 8 mm भरिए और 8 mm का ऐसे लगाइए, ठीक है। फिर क्या करिए, 2 mm भरिए और इस तरह से मार्किंग कीजिए। इसको आप इसी इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, ये आपको एक ब्लॉक मिल गया लिखने के लिए। फिर यहां से 8 mm लगाइए, ये नीचे गया। फिर यहां से 2 mm लगाइए, ये नीचे गया। फिर 8 mm लगाइए, ये नीचे गया। और 2 mm लगाइए, ये नीचे गया, ठीक है। इसी तरह से करते हुए आप चले जाएंगे और इसमें फिर आप लेटर लिखेंगे। सिंगल स्ट्रोक यानी कि उस पर आप दो बार पेंसिल नहीं फेर सकते हैं, बात नंबर एक। बात नंबर दो, जैसे मैंने बताया, आप हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, कभी भी नीचे से ऊपर की ओर ड्राइंग नहीं बनाएंगे। अगर आप लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर कभी भी नहीं जाएंगे, गलत हो जाएगा। सिंगल स्ट्रोक मतलब ये नहीं होता कि आप पेंसिल नहीं छोड़ सकते, पेंसिल आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी लाइन पर आप दो बार इस तरह से नहीं फेरेंगे, वो आपको गलत हो जाएगा। और एक और बात, स्केल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फ्री हैंड आपके कोर्स में है, मतलब आपको सिंपली अपने हाथ से बनाना है जितना ज्यादा एक्यूरेट हो सके वो। तो आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी करिए ताकि वो एकदम सही फिगर बनकर आए, क्योंकि अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया फिर आप रबर से मिटाएंगे तो वो बात आती नहीं, शीट गंदी हो जाती है और एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की, नंबर कट जाते हैं। तो हमारा शब्द क्या है, ड्रॉइंग। ये मैं 10:8 के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारा 10 का है, ये हमारा हिस्सा 8 का है और ये हिस्सा हमारा 2 का है, ठीक है। इसमें इस तरह से ये हमने लिखा डी, दूसरे में लिखा आर, इसमें लिखा ए, फिर आगे हमने 8 लगाया, हमने लिखा डब्लू, फिर हमने लिखा इसमें 2 का लगाया, जगह छोड़ी, फिर 8 का लगाया, आई, इसी तरह से आप पूरा आप लिखेंगे। मैं आपको सिर्फ एक वर्ड लिख के दिखा रहा हूं, ड्रॉइंग। ये हमारा ड्रॉइंग हो गया। अब हमें क्या करना है, अगला लेटर लिखना है। तो अगला लेटर लिखने के क्या करेंगे, इसकी डबल गैप लेंगे, जो हम छोड़ रहे थे 2 mm की गैप छोड़ रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे 4 mm का गैप छोड़ेंगे। तो 4 mm का आप लगाएंगे और फिर से वही 8 mm का लगा के, 2 mm का लगा के, फिर 8 mm का लगा के, तो हमारा क्या हो गया इज, फिर अगला शब्द है, 4 mm का लगाएंगे और 8 mm का लगाएंगे। इस तरह से आप ये पूरी जो लाइन है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस लाइन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। दूसरा रेशियो मैंने क्या बताया था आपको, जो बच्चे ने पूछा था कि 7:4 के रेशियो में मुझे पढ़ना है, ये हमें बुक में दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका क्या है, वही तरीका सिंपल सा, 10 mm की लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींच देंगे यूं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके 10 कितने, 7 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
इसको यहां मिलाएंगे, इसको यहां मिलाएंगे, इस तरह से करते हुए ये आपके सात हिस्सों का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सेवन हिस्सों में ये बट गया। अब हमें क्या करना है, चार, तो इसमें एक दो तीन चार ब्लॉक बराबर हाइट हमने कंपास में लेंगे, चार लगाया, फिर एक ब्लॉक का लेंगे एक लगाया, तो ये हमारा एक ब्लॉक हो गया। फिर चार लेंगे यहां से एक लगाया, और एक ब्लॉक लेंगे एक लगाया, चार ब्लॉक लेंगे एक लगाया, फिर एक ब्लॉक लेंगे एक लगाया, इस तरह से हम लगातार लिखते जाएंगे। जब हमें शब्द चेंज करना होगा तो हम दो ब्लॉक की हाइट लेंगे और फिर उसका गैप करेंगे तो हमारा वर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं द एंट, तो इसमें हमारा टी एच ई द आ गया। अब एंट लिखने के लिए हम इसमें एक ब्लॉक की जगह दो ब्लॉक का हिस्सा लेंगे और जगह छोड़ देंगे, तो हमारा यहां से शब्द चेंज हो जाएगा। फिर वही चार हिस्से का लेंगे, ए बनाएंगे और आगे लिखते चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, इस पे आप प्रैक्टिस करिए, आपके नंबर इसमें कंफर्म मिल जाएंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो दिया है मॉडल पेपर में, वो है हमारा स्केल से। स्केल में हमारा क्या कहता है, देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। मतलब ये कोई शहर है ए, ठीक है, ये कोई शहर है बी, दोनों के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। ठीक है, फिर कहता है इट्स इक्वलेंट डिस्टेंस ऑन मैप मेजर्स ओनली 4 सेंटीमीटर। यानी कि किसी जब हम नक्शे में इनको ड्रॉ करते हैं तो उन नक्शे में ए से बी की जो दूरी है, ए से बी की जो दूरी है वो केवल 4 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जाती है। फिर कहता है इस जो इस दूरी का जो है स्केलिंग का आरएफ बताइए, ये जो स्केलिंग हमने करी इसका आरएफ बताइए। और कहता है कंस्ट्रक्ट द डायगनल स्केल टू रीड किलोमीटर, एक ऐसी डायगनल स्केल बताइए जिसपे हम किलोमीटर पढ़ सकें, मतलब तीनों दिशाओं में सिर्फ किलोमीटर पढ़ सकें। मार्क डिस्टेंस ऑफ 328 किलोमीटर ऑन इट, और उस पे 328 किलोमीटर मार्क करके दिखाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले हमें सवाल में क्या दिया हुआ है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। सोल्यूशन अगर हम लोग से करें तो सबसे पहला हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है आरएफ बताओ। अब आरएफ का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था हमारी क्लासेस में, क्या होता है, होता है डिस्टेंस ड्रॉन डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। मतलब जो हम नक्शे में बना रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी है और वो टोटल डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आरएफ आ जाता है। अब डिस्टेंस ड्रॉन यानी नक्शे पे क्या कितनी बनाई गई है, 4 सेंटीमीटर, चलिए लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस वो कितनी डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 किलोमीटर, कितना कर रहे हैं 200 किलोमीटर, चलिए वो भी लिख देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने आपको बताया कि जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी कि आरएफ है वो यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस करने के लिए हमें जो भी दोनों की यूनिट है वो सेम करनी पड़ेगी, तो चलिए यूनिट सेम कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1000, ये किस में हो गया, मीटर में हो गया। अब सेंटीमीटर में करने के लिए इसको 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 4 × 4 = 20, यानी क्या आ गया 4×5 = 20, ये हो गया 50, ये हो गया 1/50 × 1000 × 100, यानी कि आरएफ हमारा निकल के यहां से आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, आरएफ निकालना तो बहुत सरल है, सभी को आ गया होगा। तो यहां तक ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो हो गया। अब दूसरा कहता है कि हमें एक दूसरी डायगनल स्केल बनानी है, तो चलिए हम लोग एक डायगनल स्केल बनाते हैं। आपने क्वेश्चन हो सकते उम्मीद है समझ लिया होगा, मैं क्वेश्चन रब करने जा रहा हूं। तो हमारा जो आरएफ आया था वो हमारा आरएफ क्या आया था, 1/50 × 1000 × 100। ठीक है, अब अगला जो पार्ट होता है कोई भी स्केल बनाने से पहले वो हमें पता करना होता है कि स्केल की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वो था आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी ड्रॉन या
मेजर्ड, जो भी आप लिखना चाहें। तो आर एफ हमारा क्या है, 1/50 × 1000 × 100। मैक्सिमम लेंथ हमें क्या करनी है, हमें दिया कितना है 328 किलोमीटर बनाने के लिए दिया है, कि इतना तो हमें मेजर करना है। तो या हमारी जो स्केल है वो इतनी या इससे बड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10 सेंटीमीटर मेजर करना है, तो आपके पास जो पटरी या स्केल हो वो कम से कम 10 सेंटीमीटर की हो, और ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी बड़ी हो, इससे लेकिन वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 सेंटीमीटर मेजर करिए, तो अगर आप 10 सेंटीमीटर की स्केल लाते हैं तो भी आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप 11 सेंटीमीटर के लाते हैं तो भी आप मेजर कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर के लाते हैं तो भी मेजर कर सकते हैं, 30 सेंटीमीटर के लाते हैं तो वो भी मेजर कर सकते हैं। तो इस नंबर से इसके बराबर या इससे बड़ी कोई भी स्केल आप बना लीजिए। मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसा नंबर लीजिए जो होल नंबर आए, डेसिमल में ना आए, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब नीचे हम देखते हैं कि 5 लिखा है, तो यहां हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि वो होल नंबर आए। 328 है, 330 नहीं आएगा। हम लोग 350 लें तो एक ही बार में कट जाएगा और हमारा होल नंबर भी आएगा। तो हम थोड़ी सी बड़ी स्केल बना लेते हैं, तो हम लिखेंगे 350। अब ये क्या है, किलोमीटर में है, हमारी स्केल किस में होगी, सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 1000 × 100। 100 और हजार जो है आपके 100 और हजार से कट गए, बचा क्या, 350 जीरो से जीरो 7, इतनी आपकी स्केल आई 7 सेंटीमीटर की। तो आपकी जो लेंथ ऑफ स्केल थी वो कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब हम लोग अपना जो मेन काम है डायगोनल स्केल को ड्रॉ करने का वो काम चालू करते हैं। जो हमारे पास आया मैं यहां पर नोट कर देता हूं, आर एफ हमारा आया था 1/50 × 1000 × 100, और लेंथ ऑफ स्केल जो आई हमारी वो आई 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब आप 7 सेंटीमीटर की ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके क्या करेंगे आप, 7 पार्ट करेंगे। अभी होल नंबर में है तो उसके अपने पार्ट कर दीजिए, तो इसके 7 पार्ट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 7। ठीक है, ये हमारे पार्ट हो गए, ये हमारी स्केल हो गई। टोटल हमारी लेंथ कितनी स्केल की, 10 से 7 सेंटीमीटर की। अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता तो मैं आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप कुछ मत करिए, आप इधर से एक लाइन ड्रॉ करिए, जितने पार्ट करने हैं उतनी आप आर्क लगा सकते हैं। कंपास में कोई भी डिस्टेंस भरिए, ऐसे एक आर्क लगाई, फिर यहां से रखा एक आर्क लगाई, इसी तरह से करते हुए 3, 4, 5, 6 और 7 आखिरी पार्ट को यहां से ऐसे मिला दिया। उसके बाद इसी से ऐसे पैरेलल लाइन यूं खींचते हुए चले जाने हैं, तो आपका क्या होगा, ये आपका 7 पार्ट में टोटल डिवाइड हो जाएगा, हर एक पार्ट इक्वली डिवाइड होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका जब आपका डेसिमल में हो तब आसान है, तब करने के लिए काम आता है। जब आपका सिंपली है तो आप क्या करिए, आपका सीधा 7 सेंटीमीटर का, आपको पता है इसके 7 पार्ट करेंगे तो आपका एक पार्ट कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर का। तो कंपास में 1 सेंटीमीटर भरिए और उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट हो गया, हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अब आपका वो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि 4 सेंटीमीटर जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा था, 4 सेंटीमीटर आपका रिप्रेजेंट कर रहा था, 4 सेंटीमीटर आपका 200 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपका कितना रिप्रेजेंट करेगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, और हमारे पार्ट भी कितने के हैं, 1-1 सेंटीमीटर के ही हैं, तो ये 0 हुआ, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 200 हो गया, ये 250 हो गया और ये 300 हो गया। तो हमारा एक एक पार्ट जो है वो आपका 50-50 पार्ट में डिवाइड होते हुए आ गया। अब आगे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी डिस्टेंस भर के कंपास से, या आप यहां से इस तरह से यूं मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसी के बाद यहां से सारी लाइनें ऐसे पैरेलल खींचते चले जाएंगे, जैसे कि यहां से गई इस तरह से, इसी तरह से सारी लाइनें खींच लेंगे तो आपके 10 पार्ट भी हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके 10 पार्ट हो गए। ठीक है, दस पार्ट हो गए टोटल। अब क्या करेंगे, अब यहां से ऐसे ऊपर लाइन खींचेंगे। ठीक
ठीक है, ऊपर लाइन खींचेंगे उससे कितने करेंगे, उसके भी हम 10 पार्ट करेंगे। इतनी लाइन खींचेंगे इसी के बराबर यहाँ लाइन खींचेंगे, इसी डिस्टेंस के यहाँ लाइन ऐसे खींच लेंगे और इसके भी हम 10 पार्ट कर लेंगे, इधर खींच के 10 पार्ट वैसे कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। अब इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे, यूं उसको ऐसे सबको मिला लेंगे। अब इसके ऊपर वाले के 10 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके एंड से इसको मिलाएंगे और इसके एंड से पहला वाला मिलाएंगे, इस तरह से नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह से। अब ये आपका 50 का था, 10 पार्ट में हुआ, यानी कि 50 को 10 से करेंगे तो एक पार्ट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5, 10, 15, 25, इस तरह से सारा हो जाएगा। ठीक है, और ये उसके पार्ट है तो इसी तरह से ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से ये आप ऐसे मार्किंग करते चले आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हर एक पार्ट यहां पर आपका 10 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 50/10 इसका हर एक पार्ट आपका 5 किलोमीटर को दर्शा रहा होगा। उसी तरह से ये ऊपर आपका इसका डिवाइड हुआ है, यानी हर एक पार्ट आपका 5/10 यानी कि 0.5 किलोमीटर को दर्शा रहा होगा। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने मार्किंग कर दी, 5, 15 मतलब एक एक ब्लॉक छोड़ के लिखा है, इसमें आता नहीं, 5, 15, 25, 35, 45, बीच बीच में ब्लॉक भी है, ये वाले मैंने छोड़ दिए, आपको दिख रहे होंगे। उसी तरह से ऊपर ये आधा, फिर एक, फिर डेढ़, दो, ढाई, तीन, 3.5, 4, 4.5 और ये 5। ठीक है, अब हमें मार्क कितना करना है, हमें मार्क करना है 328। तो सबसे पहले 300 तो यहां मिल गया, अब हमें यहां पर 20 मिल रहा है, 20 ले तो हमारे यहां पर 8 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से 25 ले लेंगे, ये हमने ले लिया 25, 5, 10, 15, 20, 25, 25 में कितना जोड़ दें तो 28 आ जाएगा, 3 जोड़ दें, तो यहां से 1, 2, 3, 3 हमारा यहां पर है आपका, यहां पर ये 25 का आपका 3 यहां पर, तो ये लाइन हम लोग इस तरह से ऊपर ऐसे बढ़ा देंगे और ये वाली लाइन ऊपर ऐसे बढ़ा देंगे और इस तरह से इसको हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो लाइन होगी ये आपको रिप्रेजेंट करेगी कितना, 328 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, स्केल एंड करने से पहले याद रखिएगा, यहाँ आप जो भी आपकी यूनिट लिखी हुई है वो आप लिखेंगे, यहाँ भी है किलोमीटर, यहां पर भी है किलोमीटर और यहां पर भी है ऊपर इस तरफ किलोमीटर। ठीक है, एंड में आप यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केल बराबर 7 सेंटीमीटर और इसके ऊपर मेरे पास जगह नहीं है, आप समझ लीजिए, आप लिखेंगे आरएफ, जो भी आपका आरएफ है। तो ये आपकी डायगोनल स्केल का सवाल हो गया। अब आप हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया है वो हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक सरल रेखा की लंबाई 60 एमएम है, यानी जो हमारे पास लेंथ दे रखी है लाइन की वो 60 एमएम है, इसका सिरा बी एचपी से 30 एमएम तथा वीपी से 20 एमएम दूर स्थित है। मतलब एक सिरा मतलब ए बी लाइन है, जो बी है वो एचपी से 30 तथा वीपी से 20 एमएम की दूरी पर स्थित है। रेखा एचपी के समांतर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है तथा वीपी से 30 अंश के कोण पर अवनत है, यानी कि वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्रीज के एंगल पर इंक्लाइंड है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, कहता है एक रेखा है, ये हमारी लाइन हो गई, ये ए हो गया और ये बी हो गया। कहता है बीपी से 30 एमएम यानी कि ये जो दूरी है वो कितनी है, ये दूरी टोटल है ये 30, जो एचपी से डिस्टेंस है वो 30 है और वीपी से कितनी दूरी पर है, वीपी से जो दूरी है इसकी ये तुम्हारा आपकी 20, टोटल आपकी 20 है और ये
जो वर्टिकल प्लेन है उससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है तथा एचपी के पैरेलल है। ये आपका एचपी है, ये आपका बीपी है, ठीक है। अब कहता है कि इसके प्रोजेक्शन बनाइए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जिस प्लेन से इंक्लाइंड है उसके दूसरे वाले प्लेन में उसका इंक्लिनेशन खींचना है। मतलब अब ये इससे 20 mm की दूरी पर है, तो यहां से 20 mm की दूरी पर इसका प्रोजेक्शन हमें मिल जाएगा जितने डिग्री पर वो इंक्लाइंड है, ठीक है। और सामने क्या मिलेगा, सामने हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे जो कनेक्टेड होंगे। आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि एक्चुअल में लाइन रखी कैसे, वीपी से वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, वीपी से जब एंगल बनाएगी तो वो हमें एचपी पर मिलेगा और वीपी पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि उसकी ट्रू लेंथ से छोटी होगी, जैसा कि मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया था। तो आइए देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे एक्स और वाई। अब कहता है वीपी से जितनी दूरी पर है, ये हमारा वीपी हो गया, ये हमारा एचपी हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। वीपी से जो दूरी है वो हम एचपी पे मार्क करेंगे, वीपी से कितनी दूरी है 20, तो हम 20 नीचे आएंगे, ये पॉइंट हमें मिल गया, ये हो गया हमारा 20, ठीक है। अब जो एंगल हमारा वीपी में था वो हम एचपी में बनाएंगे, तो हम यहां से ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे और 30 डिग्री पर एक लाइन खींच लेंगे। लाइन की लंबाई कितनी 60 mm, तो ये पॉइंट हमारा हो गया बी, 60 mm की मार्क करेंगे, मान लेते हैं यहां पर कहीं आया, ये हमारा हो गया ए, ये हमारी बन गई हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब इसको हम लोग को वर्टिकल प्लेन में बनाना है, कुछ नहीं इस तरह से ऊपर प्रोजेक्टर्स खींच देंगे यूं, ठीक है। अब जो एचपी से दूरी है वो हम लोग वीपी पे मार्क करेंगे, जो सिरा बी है वो वीपी से कितनी दूरी पर है 30 mm, तो इसी पॉइंट से हम लोग 30 mm की डिस्टेंस मार्क करेंगे, तो हमारे पास एक ही डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आ जाएगी, बस हम लोग क्या करेंगे, यहां से ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे, हमारे पास जो प्रोजेक्शन था गिवन क्वेश्चन के अनुसार, ये हमारा बी डैश, ये हमारा ए डैश, ये हमारा हो जाएगा साठ का, ये हमारा हो जाएगा, यहां पहले मार्किंग कर लेते हैं, 30 का, ये हमारा हो जाएगा बी डैश, हमारा वीपी एचपी, इस तरह से हमारा प्रोजेक्शन गिवन क्वेश्चन के अनुसार बन के आ गया। तो आप देख सकते हैं कि लाइन का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी आता है, लाइन के आप सवाल लगा लीजिए, ज्यादा कठिन नहीं आते, बहुत तुरंत नंबर देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके 5 से 10 नंबर के बीच में 100% आ सकते हैं। तो लाइन के क्वेश्चन आप सॉल्व करें। तो ये हमारा पहला मॉडल पेपर यहीं पर हो गया, जो इसमें मैं नहीं बता रहा हूं वो आपके होमवर्क के लिए, आपके कोर्स में जुड़ा हुआ है, कोर्स में जुड़ा है वो है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिंबल, यानी कि इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग में सिंबल जो होते हैं वो आपके 5 नंबर में या 10 नंबर में, 10 नंबर में तो मुश्किल है, 5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है जो पूछा जाए, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिंबल, बहुत इजी सिंबल होते हैं, जो एक आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा या फिर हो सकता है किताब में भी हो, उनको एकदम रट लीजिए बना बना के, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि आपको टॉयलेट कैसे दर्शाएंगे, तो इस तरह से बना होता है सिंबल, इस तरह से बन के पूछाते हैं, तो इस तरह से बहुत से सिंबल आएंगे आपके, जैसे टी का पूछा तो ये टी बन जाएगा, डफ टेल का इस तरह से बन जाएगा, तो बहुत से उसमें सिंबल दिए होंगे, उन सिंबल को एकदम आपको रट लेना है, ये 5 नंबर के आपको समझ लिए फोकट के नंबर है, बहुत इजी इजी आएगा, बहुत कठिन सिंबल भी नहीं है, प्रैक्टिस करिए और इस तरह इसी तरह का आपका पेपर आएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यह आपका पहला मॉडल पेपर खत्म होता है।